गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज योर सीन डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यू इंग्लिश क्लासेस स्पोकन एंड कम्पिटेटिव इंग्लिश। वेलकम यू ऑल ऑन दिस ऑनलाइन बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लासेस डे टू। द टॉपिक ऑफ टुडे इज सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन सेंटेंस। डब्ल्यू इज By Wasim sir, it's me. Let's learn what is subject, what is the role of subject in sentence and how to identify it. Guys, subject, the person or thing that we are talking about is called subject. It means जिस आदमी और जिस चीज की हम बात कर रहे हो वही subject है। जिस इंसान की बात कर रहे हैं, आज फॉर एग्जाम्पल इरफान खान, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, ये कोई सामान की बात करते हैं, सब्जी, फल, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसको एक और टर्म में कहते हैं डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट है। इसका एक पहचान है, इट यूजुअली कम्स वेरी फर्स्ट इन द सेंटेंस। जो सब्जेक्ट होता है वो साधारणता वाक्य के पहले स्थान पे आता है, यानी कि वाक्य जनरली उसी से ही शुरू होता है। काम करने वाला या वैसा इंसान या सामान जिसकी हम बात कर रहे हो। अब सब्जेक्ट होता कौन कौन है? तो सब्जेक्ट जो है वो नाउन, प्रोनाउन, जेरंड, इंफिनिटिव, देयर एंड इट आर जनरली सब्जेक्ट्स। जनरली ये छह सब्जेक्ट होते हैं। जब हम लोग कंपटीटिव इंग्लिश की तैयारी करते हैं बैंकिंग एसएससी की, तो उसमें एक पीकी वाला सेटिंग आता है या सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, उसमें हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं कि किस पोर्शन में सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, नॉन, प्रोनाउन, जेरंड, इंफिनिटिव, देयर और इट, क्योंकि इन्हीं में वो सब्जेक्ट छुपा होता है। उसको पहले लगाते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस अरेंज हो जाती है। तो ये एक टेक्निक है। सबसे पहले नाउन। नाउन हम लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी आदमी, जगह, स्थान, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, जानवर का नाम नाउन है। दुनिया में कोई भी सामान जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो नाउन है। और दुनिया में जो कोई भी सामान है उसका कुछ ना कुछ नाम है। तो जो सामान या उसका नाम, ये सारा आपका क्या है? नाउन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका घर। आपके घर के अंदर एक सुई से लेकर के अगर एक जहाज तक है तो वो सारा आपका नाउन है। जितना डोमेस्टिक अप्लायंसेज है, टीवी, मोटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये सारा आपका नाउन है। खैर, नाउन के काइंड्स कई तरह के हैं, अलग अलग ग्रामर अलग अलग चर्चा करते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है एक सब्जेक्ट के तौर पर। तो सब्जेक्ट के तौर पे बोल रहा है कि जितने भी नाम है, सलमान, कैटरीना, यानी कि प्रॉपर नाम जितने भी हैं, नाम चीज के जगह, स्थान, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, वो सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं। दूसरा बोल रहा है ये आपका कॉमन नाउन है जो किसी भी रिवर, रिवर को डिनोट कर रहा है, बॉय को, गर्ल को डिनोट कर रहा है, अरे वो कॉमन हो गया। तीसरा बोल रहा है ये आपका कलेक्टिव नाउन है जो एक कलेक्शन को शो कर रहा है, लाइक बंच, क्लस्टर, ए ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, कीज बंच, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, क्लस्टर। चौथा बोल रहा है मटेरियल नाउन जिससे कोई चीज बना होता है, नाप माप तोल सकते हैं, वाटर, सॉल्ट, लाइक दिस। और पांचवा बोल रहा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिससे कोई भाव, फीलिंग का होता है, लाइक ऑनेस्टी, सिंपैथी, ईमानदारी, सहानुभूति। तो ये तो काइंड्स हो गए, लेकिन हम ये समझेंगे कि सेंटेंस में क्या इसका यूज है। जैसे इंडिया इज अवर मदरलैंड, तो हेयर इंडिया इज ए सब्जेक्ट एंड इट इज नाउन। क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम, हेयर क्रिकेट इज सब्जेक्ट, ये नाउन है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, क्रिकेट भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां देखेंगे वी लव इंडिया। अब यही इंडिया यहां ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया? वी। वी इज नॉट अ नाउन। तो इंडिया यहां सब्जेक्ट है, यही इंडिया यहां पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो नाउन पहले आया तो सब्जेक्ट, लास्ट में आया तो ऑब्जेक्ट। उसी तरह से यहां क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम, आई प्ले क्रिकेट, यहां क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन है, और सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। तो नाउन कैन बी सब्जेक्ट, नाउन कैन बी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, समीरुल निसार इज ए गुड टीचर, तो समीरुल इज हियर सब्जेक्ट। और आई लव समीर, हियर समीर इज ऑब्जेक्ट। तो जो नाउन सब्जेक्ट है वही नाउन क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमारे यूज पे डिपेंड करता है हम उसको कैसे यूज करते हैं। लाइक द बुक इज ऑन द टेबल, तो द बुक इज सब्जेक्ट। एंड आई हैव अ बुक, द बुक इज ऑब्जेक्ट। आई इज सेकंड प्रोनाउन। प्रोनाउन बोल रहा है कि द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे इसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। इसमें सबसे बड़ा चीज है कि इसमें पर्सन है और इसमें एक केस है। एक प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होता है, एक प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो जो सब्जेक्टिव केस में होता है वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा, जो ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे होगा वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा। फॉर एग्जांपल, आई लव यू,
एक सेंटेंस सबसे कॉमन सेंटेंस, एवरीबॉडी नोज एंड अंडरस्टैंड, बट इज वेरी डिफिकल्ट. तो इसमें क्या है कि आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है और यू क्या है आपका ऑब्जेक्ट है. अब आई सब्जेक्टिव केस में है, यू ऑब्जेक्टिव केस में. कभी भी मी लव यू नहीं बोल सकते हैं, इट्स इनकरेक्ट बिकॉज मी इज नॉट अ सब्जेक्ट. उसी तरह से वो मुझसे प्यार करती है, सी लव्स मी, सी सब्जेक्ट एंड मी ऑब्जेक्ट. सी लव्स आई नहीं बोल सकते हैं और हर लव्स मी नहीं बोल सकते हैं. उसी तरह से ही हैज इनवाइटेड माई वाइफ एंड मी, तो ही है सब्जेक्ट एंड मी इज हेयर ऑब्जेक्ट. क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आई का यूज नहीं कर सकते. उसी तरह से डोंट टच हर, उसको ना छुए, यहाँ पे हर आपका ऑब्जेक्ट डोंट टच सी नहीं हो सकता है. तो एक सब्जेक्टिव केस और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव केस. आई सब्जेक्ट है तो मी इसका ऑब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है तो अस उसका ऑब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा, ही का हिम, शी का हर, दे का देम और इट का इट. यानी कि प्रोनाउन में एक झमेला है एक केस का. नाउन में ऐसा कुछ नहीं था, पहले आया तो सब्जेक्ट, लास्ट में आया तो ऑब्जेक्ट. लेकिन प्रोनाउन में पहले आया तो सब्जेक्टिव केस में और लास्ट में आया तो ऑब्जेक्टिव केस में. इसका केस का ध्यान में रखना जरूरी है. केस मैंने यहां डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको थोड़ा याद करना होगा. आई मी वी अस यू यू ही हिम सी हर दे देम इट और इट. तो ये हो गया आपका प्रोनाउन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जनरली नाउन और प्रोनाउन ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं. तीसरा है आपका जेरंड. जेरंड कैन बी द न्यू वर्ड्स, है ना. अब ये नया हो सकता है, वो वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड एज अ नाउन इज कॉल्ड जेरंड. वर्ब में आईएनजी का यूज करें वो आपका जेरंड कहलाएगा, इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं. इसमें क्या है कि हर वर्ब में आईएनजी लगा देना है. वॉक से वॉकिंग, स्मोक से स्मोकिंग, स्टीलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है. जैसे कोई भी मेरे को कॉल करता है कि सर व्हाट आर यू डूइंग, तो आई एम टीचिंग, तो टीचिंग इज हियर वर्ब. लेकिन मैं इसी को बोलता हूँ कि टीचिंग इज माई जॉब, टीचिंग इज माई प्रोफेशन, तो यहाँ पे टीचिंग क्या हो गया आपका नाउन हो गया. तो जो नाउन का काम करेगा वो जेरंड कहलाएगा. जैसे वॉकिंग स्मोकिंग, तो वो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है. मैं टहल नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ टहलना, तो टहलना एक नाउन है. उसी तरह से आगे बोल रहा है स्टीलिंग इज सीन, चोरी करना पाप है. मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ चोरी करना, तो चोरी करना ये नाउन. उसी तरह सिगरेट के डब्बा में लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वहां पे वो सिगरेट पी नहीं रहे, बता रहा सिगरेट पीना, तो ये नाउन हो गया, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है. और ये ऑब्जेक्ट का भी काम करता है. जैसे आई लव टीचिंग, तो ये हेयर आई सब्जेक्ट और टीचिंग क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट. उसी तरह से गर्ल्स डिसलाइक स्मोकिंग, यहाँ स्मोकिंग क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट. तो जेरंड कैन बी सब्जेक्ट और जेरंड कैन बी ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स अप टू अस. ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, पहले यूज किए तो सब्जेक्ट और लास्ट यूज किए तो ऑब्जेक्ट. आगे लास्ट है इन्फिनिटिव. बोला टू प्लस वी वन इज कॉल्ड इन्फिनिटिव. टू के बाद जब भर्ब का पहला रूप आता है तो इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं. लाइक टू अर्न, टू स्टील, टू एडवाइस, टू डू, टू स्विम. इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. सेंटेंस में देखते हैं टू अर्न इज ह्यूमन. गलती, टू अर्न मीन्स गलती करना, गलती करना इंसान की फितरत है. इट इज ए नेचर ऑफ द ह्यूमन टू कमिट ए मिस्टेक. तो यहाँ टू अर्न हो गया सब्जेक्ट. टू एडवाइस इज इजी, सलाह देना आसान है. यह कोई काम नहीं कर रहे, बता रहे, सलाह देना, गलती करना, तो ये दोनों सब्जेक्ट है. आइए ऑब्जेक्ट में देखते हैं. एवरीबॉडी फियर्स टू डाई, तो एवरीबॉडी सब्जेक्ट और टू डाई क्या हो गया ऑब्जेक्ट. मरने से हर कोई डरता है.